वेलकम बैक टू द बैक यूट्यूब चैनल बी आर जो आज के डे 6 है 75 हार्ड चैलेंज का। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सीक्रेट बुक रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप नहीं जानते, अगर आपने इस बुक को पढ़ा है या फिर आपने इस बुक की समरी वगैरह सुन रखी है, तो ये वीडियो आप देखोगे ना तो मैं आपको चीजें छोटी छोटी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और आपको जो बेस्ट थिंग है इस बुक की, वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा पूरी, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये कैसे वर्क करता है, कैसे चीजों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, ठीक है। वो फेक क्यों है, क्यों हो सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीज मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए वर्क करता है, जहां तक मैंने मेरी लाइफ में चीजों को अप्लाई किया है, इसको यूज किया है, वहां तक ये 100% काम करता है, ठीक है। रही बात इसकी ना वर्क करने की, उसके पीछे भी कारण है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क क्यों नहीं करता, तो वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा और तो आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द बुक, देखो यू गेट टू चूज, मतलब पहला ही क्वार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ इस बुक से रिलेटेड। यू गॉट टू चूज वॉट यू वॉन्ट, बट यू मस्ट गेट क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट, दिस इज योर वर्क। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये सबसे बेस्ट क्वार्ट है। देखो आपको चूज करना मिलता है आप क्या चाहते हो आपकी जिंदगी में, और बट उसके लिए आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि कितना, मतलब आपको ये क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को कि आप स्पेसिफिक क्या चीज चाहते हो, ठीक है। आप कौन चाहते हो आपकी लाइफ में, पर्टिकुलर कोई भी हो, ठीक है। वो कौन कौन सा चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, रैंक चाहते हो, जॉब चाहते हो, जो भी आप स्पेसिफिक चीज चाहते हो वो आप क्या चाहते हो, वो स्पेसिफिक क्लियर करो अपने आप को। जब तक आप उस चीज को क्लियर नहीं करो ना आप क्या चाहते हो आपकी जिंदगी में, तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ बी क्लियर अबाउट दैट थिंग, आप उस चीज के लिए क्लियर करो, ठीक है। अब अपन हम बात कर लें, द सीक्रेट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच से दैट, देखो ये बुक है सीक्रेट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। से लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड आर थॉट्स क्रिएट्स आर लाइक, तो वो एक जैसी चीज एक दूसरे के पास बुलाती है, ठीक है। और जो हम सोचते हैं वही हमारी दुनिया बनती है, ठीक है। इन दिस बुक रोंडा ब्रांड जो हमारी बुक की ऑथर है, ठीक है, सेड्स लाइक हाउ द सीक्रेट वर्क, ये सीक्रेट कैसे काम करता है, ठीक है। बाय शेयरिंग एनसीडोट्स और इनसाइट्स एंड क्वार्ट्स फ्रॉम ल्यूमिनरीज लाइक आइंस्टाइन एंड एमर्सन अलोंगसाइड न्यू एज एंड सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट, जो सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जो जिन्होंने लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उन्होंने उनसे बात की, उनके इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, कुछ उन्होंने उनकी इस बुक में भी बताया जो बुक लिखी है, और इसका इंटरव्यू भी है 3 से 4 घंटे का, वो आप चेक कर सकते हो, उसको डिटेल में हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। पहले इस वीडियो को देखो, फिर उसको डिटेल में आप एक बार उसको देख लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब वो आप उसको चीजों को समझोगे, आप जब उस 3 घंटे की आप ऑडियो बुक को सुनोगे ना, तो आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इसकी बुक पढ़ोगे, बुक ऑर्डर करोगे ना, तो वो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप उसको चीजों को स्पेसिफिकली अपनी आंखों से जब रीड करोगे क्वार्ट, तो आपके माइंड में उस तरीके की थिंकिंग डेवलप होती जाएगी, तो उस चीज को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं इन दिस, तो मैं आपको बताता हूँ, अब इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इट इज मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग एटम्स एंड एनर्जी इंक्लूडिंग अस, देखो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जो हर एक चीज बनी है ना, वो छोटे छोटे एटम से लेकर रिलेटेड बनी है, ठीक है। और वो एटम और एनर्जी से बनी है, ठीक है। वो वाइब्रेट कर रहे हैं, हर चीज वाइब्रेट कर रही है इस यूनिवर्स में। अगर आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, आप फोन चाहते हो, ये वो भी कार चाहते हो, ये जॉब चाहते हो, आप जिस तरह की लाइफ जीते हो, जीना चाहते हो, उस तरह की लोग लाइफ जी रहे हैं इस दुनिया में, ठीक है। आप उन लोगों की तरह लाइफ जीना चाहते हो ना, तो वो एक फ्रिक्वेंसी है, और उस फ्रिक्वेंसी को आप मैच कर पाए,
तो आप उस तरीके की लाइफ जी पाओगे। ठीक है, उसके लिए मेहनत भी लगेगी, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत करे आप दिन भर सोचते रहो, साधना करते रहो कि मुझको ये चाहिए जीवन में, ऐसा कर चाहिए, तो ऐसी चीजें वर्क नहीं करती। आपको उस लेवल की फ्रिक्वेंसी के रिगार्डिंग वर्क भी करना पड़ेगा और उस तरीके का सोचना भी होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे सोचते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लोज आती जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When examined under a microscope, we are masses of energy. हम सब हर एक चीज दुनिया में, दुनिया में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे हर एक चीज एनर्जी से बनी हुई है। ठीक है, विद द लार्जर मासेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी वाइब्रेट करती है एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। मैंने अभी आपको बताया एनर्जी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी बाय करती है। आर थॉट आर मैग्नेटिक विद देयर फ्रिक्वेंसी टू, जो हम सोचते हैं वो मैग्नेटिक चुंबक की तरह, जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हो ना, उस तरीके का आप सोचोगे ना, तो उस तरीके की एनर्जी आप फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर रहे होगे आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। आर पर्सनल वाइब्रेशन आर डिटरमाइंड बाय आर थॉट, जो हमारे वाइब्रेशन है, जो हमारी एनर्जी के वाइब्रेशन है, वो उस तरीके के ही रहते हैं जिस तरीके की हम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरीके की वाइब्रेट थॉट वाइब्रेट करते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ समथिंग वी आर ट्रांसमिटिंग दिस फ्रिक्वेंसी, जब भी हम कुछ चीज के बारे में, आप असफलता के बारे में सोच रहे हो, सफलता के बारे में सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप आगे चल के क्या करने वाले हो, इन चीजों के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप उस तरीके की चीजें क्रिएट करना चालू कर दोगे। ठीक है, उस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में क्लियर होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, वो क्यों होंगी मैं उसके पीछे कारण बताता हूँ। उसका पीछे का कारण ये है कि देखो, जो भी आप सोचते हो ना, उस तरीके की फ्रिक्वेंसी दुनिया में जा रही है, यूनिवर्स में जा रही है। जिस तरीके का सोचते जाओगे आप उस तरीके के बनते जाओगे। अगर आप सोचते हो कि आपसे कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और उस तरीके की आप चीज आपके दिमाग में सोचते जा रहे हो, तो आपका बॉडी, आपका दिमाग आपको उस चीज को इतना ढालने पर मजबूर कर देगा कि आप गलती, आप पता हुआ आपने गलती नहीं की है, फिर भी आप एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, आप उस चीज को नहीं कर पाओ, क्योंकि आपका दिमाग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो जिस तरीके की आप लाइफ चाहते हो, उस तरीके की सोचना चालू करो। आपके थॉट, विचार एक चुंबक है, जो आपकी जो लाइफ आप चाहते हो, उस तरीके की चीजों को अट्रैक्ट करने में। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में होंगी। आप हमेशा ये बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जीवन में, तो उस तरीके की चीजें आपके साथ ही होंगी। और ज्यादातर लोग जो सफल लोग हैं वो उस तरीके की सोच नहीं रखते। अरे हो गया जो हो गया, अब देखो अपना आगे का काम। ठीक है, तो वो मैंने सारी चीज बता दी। इन शॉर्ट, अट लाइक अट्रैक्ट लाइक, वी अट्रैक्ट थिंग्स, पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस दैट आर सिमिलर वाइब्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। आप जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हो, जिस तरीके से सोचते हो, वो सारी चीजें आप आपके जीवन में अट्रैक्ट करते हो। बी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक द मोस्ट, हम ज्यादातर वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम हमारे जीवन में सोचते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ नेचर, ये नेचर का, प्रकृति का एक लॉ है। इट इज द इम्पार्शियल एंड प्रेडिक्टेबल एज द लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, इम्पार्शियल और प्रिडिक्टेड है। ठीक है, एंड वर्क्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एवर वी नो और बिलीव इट। बी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक ऑफ द मोस्ट ऑफ, ज्यादातर हमें हम क्या सोचते हैं उस तरीके की सोचे हम चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव में आप क्या सोचते हो, अरे भाई पर्टिकुलर चीज नहीं हो पा रही, वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचता होगा यार, ये अब मेरा क्या होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी तैयारी नहीं है, अभी एग्जाम में फेल हो गया तो इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या होगा, अभी मेरी पूरी तैयारी नहीं है। तो अब उस तरीके की चीज अट्रैक्ट करो। आपके जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा आप वैसे बनते जाओगे। ठीक है, गुड एंड बैड थॉट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड और बैड थॉट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, अच्छे और बुरे में अंतर नहीं जानता। ठीक है, इट डजंट रिकॉग्नाइज वेदर यू वॉन्ट और डोंट वॉन्ट समथिंग, इट सिंपली डिलीवर्स वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट। मोस्ट परसेंटली मोस्ट पीपल डोंट गेट वॉट दे वॉन्ट बिकॉज दे आर फोकसिंग मोर ऑन वॉट दे डोंट वॉन्ट, एंड दे डोंट वॉन्ट टू बी फैट, लोनली, एंड हेंस एंड अप गेटिंग मोर। देखो मैं आपको सोचता हूँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये अच्छे और बुरे के बारे में नहीं जानता। ठीक है, जो आप ज्यादातर समय सोच रहे हो ना, वो आपको मिल जाता है। और अगर आप सोचते हो कि आप जो सोच रहे हो और वो आपको नहीं मिल रहा, वो इसलिए नहीं मिल पा रहा, क्यों? क्योंकि आप वो सोच रहे हो ज्यादातर जो आपको नहीं चाहिए। ज्यादातर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, आप वो सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, आप उसके बारे में नहीं सोच रहे जो आपको चाहिए। तो इस कारण से आपको वो मिल जाता है जो आपको नहीं चाहिए, और आपको वो नहीं मिल पाता जो आपको चाहिए।
समझ रहे हो ना, टाइम का खेल है। अगर आप उस तरीके की सोचना चालू करोगे, आपको जो चाहिए आप उसी के बारे में सोचोगे, पॉजिटिव थिंग उसके बारे में सोचोगे, अर्जी मिल गया तो फिर मैं क्या करूंगा, अर्जी अचीव हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, तो उस तरीके से आप सोचोगे ना तो ऑटोमेटिकली काम करोगे। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस थॉट, देखो हमारे कॉन्शियस माइंड में हम अभी कॉन्शियस हो गए, सबकॉन्शियस माइंड में दोनों रहते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट ओनली फोकस ऑन कॉन्शियस थॉट, यू मे से दैट यू वांट मोर मनी बट सबकॉन्शियसली फील अनडिजर्विंग और अनडाउटफुल अबाउट योर एबिलिटी टू अर्न अटैक द मनी, द यूनिवर्स रिकॉग्नाइज एंड डिलीवर फॉर दो सबकॉन्शियस थॉट। तो कॉन्शियसली कॉन्शियसली आप क्या चाहते हो, आप अच्छा पैसा चाहते हो, अच्छी लाइफ चाहते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, अच्छी चीज आपकी जिंदगी में चाहते हो, बट सबकॉन्शियसली जब आप सोचते हो, सबकॉन्शियसली आप जब भी अवचेतन मन में ठीक है तब आप सोचते हो ना, आप सोचते हो कि यार मैं इतने रुपए डिजर्व नहीं करता, खुद पे डाउट करते हो क्या ऐसा हो पाएगा, ठीक है, और अपने आप को अनवर्थी समझते हो, मैं इन चीजों के काबिल नहीं हूँ। तो उस कारण से क्या होता क्या है कि आपको वैसी चीजें मिलती नहीं जो आप चाहते हो। कॉन्शियसली आप बोले हाँ, मुझको अचीव करना, मुझको फोड़ना है, मुझको मेहनत करनी है, बट वैसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सबकॉन्शियसली आप वो चाहते हो, अपने आप को अनडिजर्विंग करते हो। शॉर्टकट टू द सीक्रेट, वी हैव अबाउट 60,000, 60,000 हमारे दिमाग में दिन में कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है, थॉट आते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल दीज थॉट आर फीलिंग, कैन बी यूज एज अ टूल टू बिकम अवेयर ऑफ दैट व्हाट वी आर थिंकिंग टू एंड टू एक्सेलरेट मैनिफेस्टेशन एंड प्रोग्रेस। देखो हमारे जीवन में हमारे दिन में लगभग लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, बट हम इनको उस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते, उस वे में हम सोचना चालू कर सकते हैं जिस वे में हमको चीजें चाहिए, ठीक है। यूज द फीलिंग टू आइडेंटिफाई आर थॉट, वी कैन नॉट कंकरेंटली फील गुड एंड बैड एट द सेम टाइम, इफ यू आर फीलिंग गुड यू नो यू आर फीलिंग गुड थॉट एंड ब्रिंगिंग मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू फील गुड, इफ यू आर फीलिंग बैड यू कैन क्विकली कैच योर सेल्फ एंड अंडरलाइंग बैड थॉट। जब आप पॉजिटिव सोचते हो, जब कुछ आपके साथ अच्छा होता है तो आप पॉजिटिव चीजें सोच रहे होते हो, ठीक है, और पॉजिटिव चीजों के बारे में और सोचते हो। पॉजिटिव चीज मीन्स आपने कुछ किया, आपने जॉब क्रिएट किया, या फिर आपने कहीं पे स्पीच दी, या फिर कहीं पे आप सेमिनार ले रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे वो चीजें कर रहे हो, ठीक है, अब आपने सेमिनार दी, स्पीच दी आपने, और फिर लोगों ने ताली बजा दी, ठीक है, अब आप क्या सोच रहे हो कि आप लोग मेरी स्पीच बढ़िया आई, मैंने आज मतलब बहुत बढ़िया कर दी, वो मैं और मेरी स्पीच को और बढ़िया कर सकता हूँ, और जहां लोगों के सामने बोल सकता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा। अब वहीं पे अगर आपने जो स्पीच दी है वो थोड़ी अनकॉन्फिडेंट रहे, अनक्लियर रहे, ठीक है, तो फिर आप उसको नेगेटिव सोचने चालू करो, यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यार मेरे तो भूल गए यार, जो मैं बोलना चाहता था मैं बोल ही नहीं पाया, यार पूरा दिमाग खराब हो गया। तो जिस सिचुएशन में रहते हो ना आप उस चीज को, वैसी चीजों को और ज्यादा अट्रैक्ट करने चालू कर देते हो, ठीक है। चलना ओके मम्मी रख रहने दो, आओ आओ रख दो, ठीक है, आओ आओ। ओके देखो तो अभी मम्मी 4 दर दे रही, तो उस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं इतनी एडिटिंग नहीं करता मेरी वीडियोस में, ठीक है, तो बाकी चीजें जो रहेंगी मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। अब हम काम पे जिस तरीके की सिचुएशन में रहते हैं उस तरीके की सिचुएशन हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपने आपका कभी बाई चांस कभी आपने वो सिचुएशन फेस की हो, मैं आपको बता दूं, जिसकी आप गाड़ी से जा रहे हो, करीबन करीबन 60-70-80 स्पीड में आप जा रहे हो, लग लो 70-80 स्पीड में जा रहे हो, ठीक है, और एकदम पास से आपकी गाड़ी निकल जाती है, ठीक है, तो अब आपके दो तरीके की सिचुएशन रहेगी, एक तो रहेगी बच गए, सेकंड भगवान ने बचा लिया, भगवान की कृपा है, बढ़िया रही जो हुआ सो, अब एक तरीके से आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हो। तो वो सिचुएशन रहती है ना, उस चीजों को आपको डाइवर्सिफाई करना रहता है। मैंने स्पीच का एग्जांपल दिया, स्पीच का भी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो स्पीच वाला रहा, ठीक है, आप या तो फिर आप किसी दोस्त के फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हो, 5-6 दोस्त बैठे हैं, पुराने एकत्रित हुए या फिर नए फ्रेंड्स है, आप बात कर रहे हो उन सबसे, ठीक है, अब आपकी मजे मजे में रोस्टिंग करने लगे, मजे लेने लगे आपकी, ठीक है, तो एक तरीके से आप उस तरीके से सोचना चालू कर सकते हो कि यार मेरे दोस्त हैं, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं आप, इनसे इनके साथ कभी बैठूंगा ही नहीं, अरे ऐसा बहुत सोचते हैं यार, कितना नेगेटिव सोचते हैं मेरे बारे में,
तो आप उस तरीके की नेगेटिव सोच चालू कर दोगे। और भाई वही आप सोचो यार, दोस्ती तो है मेरी, दोस्तों और किसी तो नहीं, मेरे ग्रुप में ही तो हम लोग बात कर रहे हैं और किसी के सामने थोड़ी बात कर रहे हैं, तो ऐसे दोस्त मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उस तरीके सोच रहा हूँ ना, बेहतर रहता है। ठीक है, तो अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में रहोगे ना, तो आप और नेगेटिव सोचोगे, और एक पॉजिटिव सिचुएशन में रहोगे तो और पॉजिटिव सोचोगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में हो ना, तो आप ये सोचो ये नेगेटिव सिचुएशन इससे बुरा भी हो सकता था, बट नहीं हुआ, बढ़िया बात है, बट भगवान की कृपा है, जो हुआ तो अच्छा हुआ। अब आगे जो होगा वो अपना भी और भी अच्छा होगा। भगवान मेरे पास अभी, मैं किसी चीज कारण से इस सब्जेक्ट में फेल हो गया, भगवान ने मेरे लिए और कुछ अच्छे सोच रखा है। ठीक है, और जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी प्रोसेस है, उसको और पॉजिटिव वे में सोचना चालू करो। नेगेटिव थिंकिंग जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो। एक पॉसिबिलिटी लेके चलो, हाँ नहीं हुआ तो क्या करूँ, बट उसके अलावा भी चीजें तैयार रखो अपनी। ठीक है, यूज फीलिंग टू सुपर चार्ज वॉट यू बेस्ट टू अट्रैक्ट। अपने आप को सुपर चार्ज फील करा। When you feel something strongly, it sends you a strong frequency, attracts what you are feeling. That is why what we resist to try to persist, because we give it to focus. ठीक है, तो जो भी आप सोच रहे हो सुपर चार्ज, देखो जब आप एक्साइटेड होते हो, जब कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप पूरे फुल पोटेंशियल पर रहते हो, सुपर चार्ज फील करते हो ना, तब जो भी काम आप करते हो ना, वो मतलब जीवन मतलब एकदम शानदार काम करते हो। ठीक है भाई, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो तो उस चीज को आप कभी नहीं कर नहीं पाते। तो जो भी आप चाहते हो ना आपके जीवन में, जिस तरह की लाइफ आप चाहते हो, जो भी आपका बेस्ट कॉर्ड बेस्ट सॉन्ग हो, जो आपको बहुत बढ़िया लगता हो, उस गाने को लाओ, हेडफोन्स पहनो और उस जीवन को आप इमेजिन करना चालू करो जिस तरह की आप जिंदगी चाहते हो, सुपर चार्ज फील करके। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है अगले 2 से 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, जो भी आपकी लाइफ में इफेक्ट पड़ने वाला है ना, वो आप अगर 5 साल में चीजों को अचीव कर पा रहे हो ना, तो उसके रिजल्ट आपको दिखने मिल जाएंगे। 1 साल में आप देखना चाहते हो ना जो रिजल्ट, वो आपको 6 से 7 महीने में दिखने लगेगी। तो आपके साथ वैसी चीज होनी चालू हो जाएंगे, जो आप पॉजिटिव चीज चाहते हो ना, पॉजिटिव आपके साथ होना चालू करो। यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट एवरी नेगेटिव थॉट दैट यू मे हैव, बिकॉज देखो आपको हर चीज के बारे में भी आपको सोचने की, हर नेगेटिव सोच के, नेगेटिव सोच के बारे में आप सोचोगे ना, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमेशा आप ऐसा भी नहीं होता हम पॉजिटिव ही सोचें। नेगेटिव हो रहा है ना, तो उन कंडीशन में आपको बता दूं, नॉट ऑल फ्लीटिंग थॉट्स आर मैनिफेस्टेड, व्हाट मैनिफेस्ट मोस्ट प्रोबली आर सस्टेन्ड थॉट दैट आर सुपर चार्ज्ड विद फीलिंग। देखो नेगेटिव थॉट भी आ रहे हैं, आने दो, ठीक है आने दो। ठीक है, अब उसकी तरीके वो चीजें भी नहीं करता। तो जो सुपर चार्ज रहते हो आप, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव हो ना, तो अगर आप उस चीज को सोच रहे हो ना किसी जोन में जाके, तो फिर वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो, और नॉर्मल थॉट आ गया, हाँ ऐसा हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं। पॉजिटिव थॉट्स आर मच मोर पावरफुल देन नेगेटिव थॉट्स, एंड इट टेक्स मैनी परसिस्टेंट नेगेटिव थॉट टू ब्रिंग समथिंग नेगेटिव इनटू बीइंग। हेंस बीइंग द बेस्ट शॉर्टकट टू फील गुड, हैप्पी एंड पॉजिटिव एवरी डे, बिकॉज दैट विल बी, सिंपल सी बात है, डेली पॉजिटिव सोचो। ठीक है, 10 नेगेटिव थॉट और 1 पॉजिटिव थॉट, 1 पॉजिटिव थॉट 10 नेगेटिव थॉट पे भी पड़ेगा। ठीक है, और नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी में, नेगेटिव चीजें क्यों होती हैं, जब आप उनको बार बार अट्रैक्ट करते हो। अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर दिन जब भी कुछ आपके साथ छोटी सी ही कुछ हो जाए गलत, तो आप सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों चल बोलता हूँ। आपने देखो, आप कुछ ना कुछ चीज घर पर भूल जाते हो, या कहीं पे जा रहे हो तो भूल जाते हो, तो आप हमेशा आपसे अपने आप को वो दिलासा देने लगते हो, अरे मैं कहीं पे भी जाता हूँ चीज भूल जाता हूँ, चीजें भूल जाता हूँ, चीजें भूल जाता हूँ। तो वास्तविकता में आप उस चीजों को भूलने लगते हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो आप सोचो हाँ याद रखना है, अगली बार तो मुझको याद रखना है कि मैं क्या भूल रहा हूँ, एक बार चेक कर लूंगा जब भी मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो उस तरीके की आप सोच रहे हो ना, तो चीजें वैसी होंगी। ठीक है, तो आप देखो सबसे सिंपल है नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट में, एक नेगेटिव थॉट आ गया उसको रिपीट नहीं करना है, आ गया ठीक है कोई बात नहीं, और पॉजिटिव थॉट आ गया ना उसको लिख लो, और वो बार बार आ रहा है ना तो और बढ़िया बात है। यूजिंग द टिप सीक्रेट टिप्स टू प्रोसेस, देखो देखो अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको जल्दी आपके जीवन में, जो भी आप चाहते हो, जो भी गोल आपका चाहते हो ना, उसको जल्दी अचीव करने के लिए अल्टीमेट फॉर्मूला देने वाला हूँ। ठीक है, और अलग अलग फॉर्मूला रहेंगे। ठीक है,
फर्स्ट जो उसमें बुक में बताया द क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस क्या रहती है? टू चेंज आर लाइफ वी फर्स्ट चेंज आर थॉट। अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमको पहले अपने थॉट्स बदलने। द पावर ऑफ क्रिएशन इज द प्रेजेंट इज नाउ, अभी प्रेजेंट है ठीक है। व्हेन द थॉट इज फॉर्मड एंड बीइंग ट्रांसफर्ड इन आर फॉल 12 पेज ठीक है, आस्क बिलीव रिसीव, एक सिंपल क्रिएटिव प्रोसेस है। जो भी आपके जीवन में आप चाहते हो लिखो, जिसकी मैं जो भी मेरे जीवन में चाहता हूँ, ये मेरी डायरी है देखो, अगर आपको दिख रही हो ठीक है, आप ये दिख रही है, ये मेरी लाइफ डायरी है। जो भी मुझे चाहिए मैं इसमें लिखता हूँ ठीक है, पर बिलीव करता हूँ कि ये मैं पा लूंगा, ये मैं अचीव कर लूंगा ठीक है। पर रिसीव और उस चीजों को छोड़ देना है, स्ट्रॉन्गली फील बिलीव करके, स्ट्रॉन्ग फील करके उसको छोड़ देना है, तो वो चीज आपको मिल जाएगी धीरे धीरे करके ठीक है। तो यूज द सीक्रेट, वी नीड टू डेवलप अवेयरनेस एंड मैनेज आर थॉट्स फीलिंग इन आर ठीक है। द पावर ऑफ एक्सपेक्टेशन, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा अब चीजों को अब मैं बताता हूँ ठीक है। फर्स्ट चीज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन ठीक है। अब जिस तरह की लाइफ चाहते हो ना, गाने उठाओ, थॉट लाओ, आप पहले तो लिख लो आपके आप जो भी चाहते हो आपकी लाइफ में, आप कौन चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, घर चाहते हो, इनकम चाहते हो, कितनी इनकम चाहते हो, किसी को देना चाहते हो, जिस तरीके की आप पैसे चीज चीज लेना चाहते हो आपकी डायरी में लिख दो ठीक है। अब गाना लगाओ, एक हेडफोन लगाओ, यू ईयरफोन है तो ईयरफोन, या फिर अगर आपके पास होम थिएटर है होम थिएटर, उसमें गाना लगाओ। जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ ठीक है, जो मेरा फेवरेट गाना है वो लगाया, उसको उस तरीके की लाइफ फील करने लगा जो मैं चाहता हूँ। मैं अपने आप को वाइब्रेट कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ ठीक है, और उस चीज को फील कर रहा हूँ डीपली जो भी मैं चाहता हूँ। और मैं जैसे कि लास्ट मंथ, मैं मेरे पास लैपटॉप है, टैबलेट है ठीक है, एक पुराना टैबलेट था ठीक है, फोन भी है, सब कुछ है मेरे पास, पूरा सिस्टम भी है कंप्यूटर का ठीक है। उन चीजों को छोड़कर मेरे को, अब मैंने सोचा कि अगले मंथ मेरे को एक नया टैबलेट चाहिए। अभी रेडमी नोट 6 चल रहा है, एम आई नोट 6 पैड चल रहा है, एम आई नोट 6 ठीक है, वो बहुत बढ़िया पैड है ठीक है। मैंने सोचा कि ये बढ़िया पैड आ रहा है, ये मेरे को चाहिए, तो मैंने गान लगाया ठीक है। और मैंने उस चीज को, उस टैबलेट को यूज करते हुए अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मैं उसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे विजुअलाइजेशन, मैं उसको पेन का यूज कर रहा हूँ ठीक है, और मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना उस पेन के साथ, बढ़िया कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, मूवीज देख रहा हूँ, मेरे इमेजिनेशन में देख रहा हूँ ठीक है। और उसमें मैंने उसको इतना स्ट्रॉन्गली चार्ज कर दिया, सुपर चार्ज कर दिया ठीक है। मैंने उस चीज को स्टार्ट किया था 15 तारीख को ठीक है, जो अपनी चल रही ना अभी कितनी, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर चल रही, तो 15 तारीख को मैंने उस तरीके से फील किया ठीक है। मेरे पास पैसे भी थे ठीक है, बट मैंने सोचा कि और कहीं से पैसे आएंगे तब मैं उसको ले लूंगा ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मेरे पैसे फंसे हुए थे ठीक है, तो मेरा दोस्त फोन लगा बोलता है, मैंने उसको फोन लगाया, 2 रुपए चाहिए थे, ऐसी ऐसी बात है ठीक है। उस दोस्त ने पैसे डाल दिए, तो मैंने क्या किया तुरंत, ये 25-26 की तारीख की बात है, मेरी दादी शांत नहीं होती, दादी शांत हुई इस कारण से जो आपको देखने को मिल रहा है ठीक है। तो क्या हुआ कि हाँ, तो 25-26 तारीख को उसमें पैसे डाले, नहीं 25 को मॉर्निंग डाल दे, 25 की इवनिंग में मैं लैपटॉप ले, वो टैबलेट ले आया और उसको यूज किया। मात्र 15 दिन लगे उस चीज को लाने में जो मैं चाहता था। मैंने पहले बुक में लिखा ठीक है, उसके बाद बुक में लिखा पहले मैंने, उसके बाद उसको फील किया, और मतलब 3-4 मतलब आधे घंटे मैंने मैं उस चीज को मेरी लाइफ में फील किया, और उसके मात्र 10 दिन बाद और वो चीज मेरे हाथ में आ चुकी थी। दैट्स अ बिग डिफरेंस। अभी जो टैबलेट है मेरा इंदौर में पड़ा, मैं ला नहीं पाया। अगली वीडियोस में जैसे मैं इंदौर जाऊंगा दिवाली बाद 15 दिन बाद, तो मैं आपको वो लैपटॉप बता दूंगी। तो ये रहता है, ये मैंने जो पर्सनली फील किया, बहुत सारी चीज मैंने अट्रैक्ट की। मैंने जो मेरा लैपटॉप था, अब मैंने जिस लैपटॉप में अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैंने इमेजिन किया था ठीक है। उस टाइम मैंने बुक कदम तभी मैंने तब मेरे पास फोन आया था,
ठीक है। तो मैंने इंदौर जाने में आयोजन किया था, क्यों मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे थे कि इंदौर में ऐसे करके रह रहा हूँ, इस तरीके से मेरी जीवन जी रहा हूँ। मैंने मेरी जॉब अट्रैक्ट की थी, मैंने मेरा बिजनेस अट्रैक्ट किया था, मैंने मंथली बेसिस मेरे कितनी इनकम चाहिए उतना भी एक्सपेंड किया था, ठीक है। बट कुछ कारण हुई मेरा बिजनेस फेल हुआ, वो होता है, ठीक है। अपन सही तरीके सही थॉट पे अपन जान नहीं फोकस करते, मैंने भी नेगेटिव थॉट्स पे जाना फोकस किया, अरे ऐसा हुआ तो क्या हुआ, तो उन चीजों में मैं फेल भी हूँ। तो उस तरीके से मैं चीज को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बताता हूँ, यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल बाय गिविंग स्पेसिफिक टिप्स एंड वेरियस एग्जांपल हाउ टू प्ले अप्लाई इट इन डिफरेंट वे ऑफ आवर लाइफ इंक्लूडिंग हैविंग आइडियल बॉडी, मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड अबंडेंट लाइफ। इफ यू हैड लाइक टू फाइंड आउट मोर, फुल बुक इसकी समरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर ऑफ द बुक सीक्रेट के बारे में, इनके डिटेल में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं इस बुक के जो जो मेन पॉइंट हैं जिन्होंने बहुत इफेक्टिव तरीके से चीजों को वर्क किया, ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन मैं आपको बता देता हूँ, लॉ एक बार लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको डिटेल बता दूँ, इसके ऊपर पर्टिकुलर बुक है, पर्टिकुलर आपको एक एक ऑथर है उनकी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन दुनिया में हर चीज, हर फ्रिक्वेंसी, हर गाड़ी, हर चीज इस फ्रिक्वेंसी पे चल रही है, ठीक है। जो भी आपकी आप जीवन चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी मेरे टैबलेट का एक्सप्लेन दिया, ठीक है, वो एक फ्रिक्वेंसी पे था, मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पे सेट की, और टैबलेट यहाँ पे है और मेरी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है, ठीक है। और मैं उसको धीरे धीरे करके मैच करता हूँ, धीरे 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 करके उसको यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और मैंने उसको पूरी तरीके से, जिस तरीके से जो टैबलेट की वाइब्रेशन है वो मैंने MI Pad 6 की, ठीक है, तो मैंने उसको यूज किया। पहले उसकी यूट्यूब पर वीडियो देखी, फोटोज देखे, किस तरीके का फोन है, किस तरीके का टैबलेट है, और उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। और मैंने मेरे इमेजिनेशन उस टैबलेट को पूरी तरीके से यूज कर लिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट भी तरीके से। और फाइनली 25 तारीख में उसको ले भी आया, ठीक है, मैं उसको ले आया, तो वो चीजें वो है, ठीक है, वो मेरी वाइब्रेशन यहाँ पे थी, और वो वाइब्रेशन यहाँ तक नहीं आ पाती, लो वाइब्रेशन, ठीक है, उस जो टैबलेट की फ्रिक्वेंसी है, तो उस तरीके से चीजें रहती हैं, ठीक है। आप जो भी आपके जीवन में चाहते हो ना, आपकी पर्टिकुलर थिंग यहाँ पे है और आपका माइंडसेट यहाँ पे है, और आप अपने वाइब्रेशन को, जो आप सोचते हो, जो फ्रिक्वेंसी है, उसको अगर आप इस पे मैच कर पाए, वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहे, थोड़े ऊपर ऊपर नीचे रहे, तो वो वाइब्रेशन नहीं रहेगा। जो स्पेसिफिक चीज आपको क्लियर है उसको फील करो, ये आपको कैसा लगेगा जब वो आपकी चीज होगी। अगर कोई गाड़ी है तो उसको चलाते वक्त आपको कैसा फील हो, तो उस तरीके की इस चीज पर करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब डीप पार्ट है, वो इस बुक में नहीं बताया, तो ऊपर ऊपर बता दिया, तो मैंने आपको डीप में बता दिया, ठीक है। अब इसके क्वार्ट, फर्स्ट क्वार्ट है, डिसाइड राइट नाउ दैट यू आर गोइंग टू थिंक ओनली गुड थॉट। एक चीज आपको डिसाइड करो, आपको अच्छे विचार रखने हैं। एट द सेम टाइम प्रोक्लेम टू द यूनिवर्स दैट ऑल योर गॉड थॉट आर पावरफुल। जो भी आपके गुड थॉट हैं वो बहुत पावरफुल है, एंड दैट आर नेगेटिव थॉट्स आर वीक। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो वीक है। सेकेंड, यू हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग बिकॉज यू आर द वन हु चूज योर थॉट्स, ठीक है। आप जो हो, आप ही पावरफुल हो जो आपके गॉड्स को चूज करता है, ठीक है, फीलिंग्स को। थर्ड, इफ यू ओनली डू वन थिंग विद नॉलेज ऑफ द सीक्रेट, यूज ग्रेटिट्यूड अंटिल इट बिकम योर वे ऑफ लाइफ। आपके लाइफ में ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर द थिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ, एंड इफ यू आर थैंकफुल फॉर द थिंग दैट इन योर लाइफ, सूनर और लेटर यू विल गेट मोर थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू विल बी थैंकफुल फॉर, ठीक है। हम बढ़ते हैं, व्हेन यू मेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैविंग रिसीव्ड इट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मोस्ट पीपल मैं इवन सर्कमस्टेंसेस, जिस तरीके से सिचुएशन हो, आप उसको फील करते हो कि आपके पास है, तो आपके आसपास की सिचुएशन, कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस सब बदलने लगता है, और उस चीज, उस तरीके की जिंदगी आपके लिए क्रिएट करना चालू कर देता है। नेक्स्ट, यू गेट टू चूज व्हाट यू वांट, बट यू मस्ट क्लियर गेट व्हाट अबाउट यू वांट दिस इज योर वर्क। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपके जिंदगी में चाहते हो उसके लिए क्लियर करो क्या चाहते हो। रिसीविंग इन्वॉल्व फीलिंग दैट द वे यू विल फील वंस योर डिजायर हैज मैनिफेस्टेड, फीलिंग गुड नाउ। आपको कैसा फील होगा जब आपके पास वो पर्टिकुलर चीज आ जाएगी, थिंग्स आ जाएगी, बिज़नेस आपको फील कराना है अपने आप को। अगर वो फील कराने में आप कामयाब रहे तो आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने बात कर लिया, अब ऐसा भी नहीं है
कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने रीड कर लिया और दिन भर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिन भर हम सोच रहे हैं कि हमको ऐसी जिंदगी चाहिए, अब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव थॉट पे वर्क कर रहे हैं और मेहनत कुछ कर नहीं रहे। देखो अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी वर्क नहीं करेगा। और आप मेहनत कर रहे हो ठीक है, ऐसा रहेगा, देखो आप 20% मेहनत कर रहे हो तो आपको 40 से 50% चीज मिलेगी, और आप 100% मेहनत कर रहे हो तो आपको 200% चीज मिलेगी। ठीक है, 50% मेहनत कर रहे हो तो 100% मिलेगी। ठीक है, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हो और आपको 50% चीजें मिल रही हैं, तो उसके पीछे कारण है क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से उसको यूज करना चालू करो, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल D7 है, D5 तक की आपने वीडियो नहीं देखी जाके देखिए। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।